हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ हमारे इंस्टाग्राम के लिए एक HD फोटो किस तरह से एडिट करना है और या एक 4K फोटो किस तरह से बनाया जाता है, तो किस ऐप से बनाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में सारी डिटेल से हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर सर्च करना है पिक्सल लैब। मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ ये ऐप है, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा आपके फ़ोन में और इसको ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने के बाद में इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा और हमें फ़ोटो सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर प्लस का आइकॉन बना है कोने में, इस पर हमें क्लिक करना है और फॉर्म गैलरी पे हमें क्लिक करना है। यहाँ से हमारी गैलरी ओपन हो जाती है और यहाँ से हमें एक फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना है। किसी फ़ोटो को आप और के बनाना चाहते हैं, जैसे कि मैं ये फ़ोटो ले लेता हूँ। तो इसको इस इंस्टाग्राम के 1x1 में फ़ोटो रहता है, वो हमें सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर 1x1 ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसको इस तरह से सेलेक्ट कर लिया और राइट पे हमें क्लिक करना है। उनके बाद में ये आ गया 1x1 और ये टैग से इसको डिलीट करने के लिए इस पर क्लिक किया और यहाँ पर डिलीट वाला ऑप्शन दिखा रहा है, इस पर हमें क्लिक करना है और ओके पे क्लिक करना है। वो डिलीट हो गया और इसको अब बड़ा करेंगे हम। यहाँ से कोने से खींच के इसको बड़ा करना है। इस तरह से हम बड़ा कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा टेढ़ा करने के लिए इस कोने में ये वाला आइकॉन है, इस पर हमें क्लिक करके थोड़ा इसको फोटो को टेढ़ा कर लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये हो गया इस तरह से। और उनके बाद में हमें यहाँ पर नीचे में ऑप्शन दिखा रहे ए और बहुत सारे ऐसे ऑप्शन, जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक कर दिए इस तरह से ऑप्शन दिखा रहे और यहाँ पर हमें करना है सबमिट, इस पर हमें क्लिक कर देना। जैसे कि ये यहाँ पर क्लिक किया और राइट पर क्लिक किया और कुछ इस तरह से सेलेक्ट हो गया और इसका इस तरह से ये सेलेक्ट हो गया। और अब हमें कुछ नाम वगैरह लिखना है, तो यहाँ पर ए पे हम क्लिक करेंगे, प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पर पेंसिल वाला आइकॉन बना है, इस पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर हम नाम वगैरह लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर मेरा नाम लिख देता हूँ। ओके पे हमने क्लिक किया, ये नाम आ गया इस तरह से और इस फोटो को इसी तरह इस जगह पे रखने के लिए यहाँ पे इसको लॉक कर देता हूँ ताकि ये हिले नहीं। और यहाँ पर हमें इस नाम को भी सेलेक्ट कर लिया, थोड़ा छोटा कर लेते हैं और यहाँ पर नाम सेट हो गया। और इस पर हम कलर करना है, तो यहाँ पर कलर इस पर टैप करके यहाँ पर कलर वाला ऑप्शन दिखा रहा है, इस पर हमने क्लिक किया और यहाँ पर हम इस पर क्लिक करके यहाँ पर कलर भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ बहुत सारे कलर दिखा रहे। तो ये वाला कलर अच्छा है, ये वाला अच्छा है। राइट पे हमने क्लिक किया तो ये थोड़ा इस तरह से रेडी हो जाए। उनके बाद में हमें इस फोटो को सेव करने के लिए यहाँ पर प्लस वाले आइकॉन के पास में सेव वाला बटन दिखा रहा है, इस पर हमें क्लिक करना है और सेव इमेज इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर सेव टू गैलरी यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से फाइनली आप इस फ़ोटो को बना लिया, इसी तरह से फ़ोटो बनाई जाती है। तो अब हम गैलरी में चेक कर लेते हैं हमारा फ़ोटो आया नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये रहा इस तरह से, अभी जो फ़ोटो हमने बनाई है वो यहाँ पर रहा। तो इस तरह से आप एक 4K फ़ोटो बना सकते हो इंस्टाग्राम के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।